नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में चुनावी सभा की शुरुआत थी, यानी कि आज उनकी पहली रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में होनी थी, मगर वो गुरदास मान का गाना है, मामला गड़बड़ है। गड़बड़ किस तरह से मैं बताता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह रैली रद्द करनी पड़ी। शुरुआत ही गड़बड़ हो गई है दोस्तों। जी हां, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि खराब मौसम की वजह से उन्हें यह रैली जो है वो रद्द करनी पड़ी। अब इस मुद्दे को उठाते हुए जयंत चौधरी, रालोद के जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला है। आपके स्क्रीन्स पर उनका यह बयान, बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। जी हां, यही नहीं, उन्होंने बाकायदा एक स्क्रीनशॉट पेश किया जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है। इसमें बताया जा रहा है कि 12 बजे बिजनौर का तापमान 17 डिग्री था और जैसा कि आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है खिली धूप। तो बिजनौर का मौसम तो ठीक ठाक था, फिर इस रैली को रद्द करने की क्या वजह हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद क्या कहा, सुनिए दोस्तों। मैं सोच रहा था कि बिजनौर से मैं चुनाव अभियान का प्रारंभ करूं रूबरू आकर के, लेकिन मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया और उसके कारण मुझे फिर एक बार बीसी से ही आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, स्थानीय पत्रकारों ने मुझे एक वीडियो भेजा है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपना भाषण दे रहे हैं तो कई लोग वहां से जो है चल के निकल रहे हैं, यानी कि रैली छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये वीडियो देखिए। आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब हो क्या रहा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन्स पर यहां पर आप देख सकते हैं बालियान खाप के प्रमुख राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत जयंत चौधरी को आशीर्वाद दे रहे हैं वोटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा नरेश टिकैत ने मुलाकात की थी किससे, संजीव बालियान से, और अब खुलेआम न सिर्फ आशीर्वाद दे रहे हैं बल्कि यह भी कह रहे हैं कि पिछले एक साल में 700 किसानों की मौत हुई, पिछले एक साल में इस सरकार ने किसानों से कोई बातचीत नहीं की, अब जनता के पास मौका आया है सरकार को जवाब देने का। और राकेश टिकैत जो लगातार उग्र बने हुए हैं, एक के बाद एक सरकार पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार भाजपा को वोट नहीं, यही नहीं, भारतीय किसान यूनियन ने बाकायदा एक पूरा प्लान बनाया है कि जिस भी गांव में भाजपा के विधायक घुसेंगे उनसे एक पर्चे के सहारे सवाल पूछे जाएंगे कि आप लोगों ने किसानों के लिए क्या किया। यानी कि एक तरफ जयंत चौधरी को आशीर्वाद मिला बालियान खाप का, दूसरी तरफ राकेश टिकैत उग्र हो रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी पहली रैली को रद्द कर देना यह कहकर कि मौसम खराब है। दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं मौसम कहां खराब है, दिल्ली में या बिजनौर में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कोई भी मीडिया चैनल इस पर बहस नहीं करेगा, कोई भी मीडिया चैनल सवाल नहीं पूछेगा भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर इस तरह से आपको रैली क्यों रद्द करनी पड़ी। मगर ये मुद्दे उठाए जाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि कम से कम ऐसे 10 वीडियो सामने उभर कर आ गए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां भाजपा के विधायकों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे रालोद के समर्थक भी हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो भाजपा से नाराज हैं। मगर क्या इसका अर्थ यह हुआ कि भाजपा चुनाव हार रही है, पहले और दूसरे चरण में उसकी हालत पतली है, कहा नहीं जा सकता दोस्तों। यह ना भूलें 2013 में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं और मुसलमानों में दंगे हुए थे,
उस वक्त जो कड़वाहट बनी हुई थी, सवाल यही किया जा रहा है कि क्या वो कड़वाहट दूर हो गई। बार बार जो कहा जाता है कि अब फिजाओं में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे फिर से गूंजने लगे हैं, क्या इसका असर वोटिंग पर भी पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बार बार झूठ का सहारा ले रही है, भारतीय जनता पार्टी बार बार जो है भ्रामक प्रचार कर रही है और पुराने जो कड़वाहट वाले हादसे हैं, घटनाएं हैं, उसकी याद दिला रहे हैं। मसलन 13 सेकंड का ये साउंड बाइट सुनिए स्मृति ईरानी का, जिसमें 90 के दशक में जो राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी उसकी वो याद दिला रही हैं। सुनिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब पूछा गया कि निर्दोष राम भक्तों पर गोलियां चलवाया क्यों, तो कहा कि अगर मारना होता तो और मारते। स्मृति जी से मेरा एक सीधा सवाल। स्मृति जी एक बात बताइए, पिछले 5 सालों से आपकी सरकार थी, आपके पास पूरा मौका था उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर कार्रवाई शुरू करने का, आपने कुछ नहीं किया। इसका मतलब राम भक्तों का मुद्दा भी सिर्फ एक सियासी मुद्दा है। ये जो बातें कह रही थी ना स्मृति जी कि नहीं साहब, हम ये दिल की बात है, ये मन की बात है, हम इसे नहीं भूल सकते, नहीं साहब, यह आपके लिए भावात्मक मुद्दा बिल्कुल नहीं है, यह आपके लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। क्योंकि अगर आप इस मुद्दे पर गंभीर होते तो अब तक पिछले 5 सालों में आपको कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, मगर आपने कुछ नहीं किया। आपने इस मुद्दे को लेकर एक जांच आयोग भी नहीं बिठाया, जिससे पता चलता है कि आप जो यहां तर्क दे रही थी वो सिर्फ और सिर्फ भ्रामक हैं। झूठ मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सांसद हैं, मंत्री हैं, आपके बारे में ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, मगर ये बतला रहा है कि जो आप बात कह रही हैं उसके प्रति आप खुद ईमानदार नहीं हैं। क्योंकि आप तो अमेठी से सांसद हैं, आपको दबाव बनाना चाहिए था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर, ऐसा आपने किया नहीं दोस्तों। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि बीजेपी किस तरह से प्रचार कर रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपकी स्क्रीन पर यहां प्रवचन चल रहा है दोस्तों। प्रवचन, प्रवचन में क्या होता है मुझे बताइए। हमारे सामने कोई आध्यात्मिक गुरु, कोई साधु संत हमें धर्म की राह बताता है, हमें आध्यात्म से जोड़ता है। आप जानते हैं यहां क्या हो रहा है, यहां पर ये भाई साहब जो हैं वो अपील कर रहे हैं कि जो लोग राम को लाए हैं आप उनको सत्ता में लाएं। क्या ये काम साधु संतों का होता है, खासकर वो जो एक मंच पर बैठ के प्रवचन दे रहे हो? बताइए बताइए, क्या ये सवाल उठना लाजमी नहीं है? और मैं जो बड़ी बात यहां पर उठाना चाहता हूं कि ये जो बार बार कहा जाता है ना कि जो लोग राम को लाए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की हैसियत इतनी बड़ी हो गई कि अब वो राम को लाने लगे हैं? बताइए, फैसला अदालत का था जो एक अरसे से चला आ रहा था, जिस जज ने वो फैसला सुनाया उसको आपने राज्यसभा में भेजा, खैर उनमें कोई लिंक नहीं है आपस में। मगर जो मैं कहना चाहता हूं यहां पर वो ये कि आप राम को कैसे ला सकते हैं? क्या भाजपा का अस्तित्व या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अस्तित्व भगवान राम से ऊपर है? इस सवाल का जवाब भाजपा को देना होगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं या तो भ्रामक प्रचार या फिर सांप्रदायिक प्रचार। स्मृति ईरानी तो एक छोटी सी झलक है, मगर ये जो दोनों घटनाएं मैंने आपको बताई, क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए? खुलेआम स्मृति ईरानी उस मुद्दे पर वोट मांग रही हैं जिसको लेकर एक जमाने में हिंसा और दंगे हुए थे, क्या ये चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं है? और ये जो सज्जन एक संत होते हुए भाजपा के लिए बेशर्मी से वोट मांग रहे थे, क्या ये चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं है? और विपक्ष का मुकाबला इस दमखम के साथ है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री हैदराबाद गए थे, हैदराबाद में वो एक फार्म में गए और वहां से एक चना तोड़ के खाने लगे। आपके हिसाब से क्या कोई इतनी बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री ने चना तोड़ के खाया? मगर अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, स्क्रीन पर देखिए साहब, प्रसार भारती ने इसको ट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर ईटिंग चना, ऑल इंडिया रेडियो ने, दूरदर्शन लाइव ने,
रिपब्लिक चैनल, हाँ, जिसका वो संपादक जेल में था 7 दिन के लिए, ये सब लोग ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चना खाया। क्या ये इतनी बड़ी खबर थी? और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, अगर बात वहां तक रुकती तो बात समझ आती। इन्होंने अपने गुल्लू और कालू पत्रकारों को भी लगा दिया। जी हां, स्क्रीन पे देखिए, पायल मेहता, आशीष सिंह, शमशेर सिंह, ये तमाम पत्रकार वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने चना खाया। और दिलचस्प बात यह है कि इनको जो सिखाया और पढ़ाया गया ना, इन्होंने अपनी भाषा भी नहीं बदली, सब उसी भाषा में बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईटिंग चना। पत्रकारिता को कौन चने की झाड़ पर चढ़ा रहा है बताइए ना, क्या ये पत्रकारिता होती है? क्या पत्रकारों से, ऐसे पत्रकारों से, ऐसे न्यूज चैनल से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये सत्ता से सवाल करेंगे? ये काम तो भाजपा के प्रचार तंत्र का होना चाहिए ना। और ये तमाम जो पत्रकार हैं वो न्यूज चैनल्स में काम करते हैं, और इनकी बेशर्मी देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने चना खा लिया, सब एक सुर में बोलने लग गए। क्योंकि जब भाजपा के जेब में पूरा प्रचार तंत्र हो तो फिर मुकाबला बराबरी का कैसे होगा? चुनाव आयोग भाजपा के किसी भी नेता के भड़काऊ बयान पर कोई एक्शन नहीं लेता। कोरोना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ करते हैं, गृहमंत्री अमित शाह करते हैं, कोई FIR दर्ज नहीं होती। कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो नोएडा में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, उन पर FIR दर्ज हो जाती है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश और जयंत चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा भीड़ हो जाती है, वहां केस दर्ज हो जाता है। मगर यहां पर भाजपा के नेता कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई एक्शन नहीं। तो ऐसे में कुछ लोग अगर ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग भाजपा की जेब में है, तो क्या उसकी वजहों को हमें नहीं समझना चाहिए? अगर संसद भवन में खड़े होकर राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमला बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है उस पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है। आप यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो जो कह रहे हैं बकवास कह रहे हैं। मैं आपके सामने बाकायदा मिसाल पेश कर रहा हूं। क्या इन पर किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? खैर, मगर इस मंच पर दोस्तों हम ये मुद्दे आपके सामने हमेशा लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे, ये मेरा वादा है आपको। नमस्कार।